हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 23 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 52। आज की वर्कशीट हमारी रीडिंग कैंपेन इंग्लिश क्लास 3 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। वीक 10 की थीम है अ फैमिली ट्रिप। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए देख लेते क्या दिया गया वर्कशीट में। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। लेट अस स्टार्ट द डे विद अ न्यू स्टोरी, अ ट्रिप टू द हिल्स। आज चलिए हम दिन की शुरुआत एक नई कहानी से करते हैं, द ट्रिप टू द हिल, अ ट्रिप टू द हिल, पहाड़ों के यात्रा। लेट्स अस रीड एंड एंजॉय द स्टोरी गिवन बिलो। हम स्टोरी पढ़कर एंजॉय करते हैं। चलिए बच्चों, क्या दिया गया है। A trip to the hills. Nanu look out of the bus window. He was a very excited. This was his first trip into the hills. Nanu खिड़की के बस से खिड़की के बाहर देख रहा था, वो बहुत excited था। ये उसका first trip था, पहली trip थी hill पर जाने की। We were stopping for chai. The driver said. और driver ने कहा कि हम सब चाय के लिए रुकेंगे। Everyone got down and went to a tea stall. और सभी नीचे उतर गए और चाय की दुकान के पास पहुँचे। Now Nannu could look around properly. He saw hills on all sides. They were full of tall trees. Nannu ने चारों तरफ ध्यान से देखा और उसके चारों तरफ हिल थे और सब हिल पर बड़े बड़े पेड़ थे। इस तरह से बच्चों ये देखिए, बड़े बड़े चारों तरफ से पेड़ से घिरा था, पर्वतों से घिरा हुआ था इस तरह से। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, नाउ रिकॉल योर लास्ट बस राइड एंड ड्रॉ अ व्यू ऑफ द सॉ फ्रॉम द विंडोज इन योर नोटबुक। और आपको यहाँ पर अपनी फर्स्ट राइड, जो लास्ट राइड बस की थी, उसे आपको ड्रॉ करना है बच्चों। जो आपने विंडो से देखा था, जो चीज़ें आपने देखी थी आपकी लास्ट बस राइड से, उसे आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। पार्ट टू, इन द स्टोरी द ड्राइवर स्टॉप्ड फ्रॉम अ कप ऑफ टी। रीड अलाउड द स्टेप रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टी। दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। द फर्स्ट स्टेप हैज़ बीन नंबर्ड 1, नाउ नंबर देन इन द करेक्ट सिक्वेंस। यहाँ पे बच्चों आपको जो ड्राइवर कहता है कि हम चाय की दुकान पर रुकेंगे, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चाय बनानी है और कोई भी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे पहला ही है जो नंबर 1 पे आपको बताया गया है, और आप सबको जो बचे हुए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस में नंबर देने हैं आपको बच्चों। चलिए देते हैं। पहला तो ये है, द फर्स्ट क्रश अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंजर एंड पॉश सम वाटर इनटू अ पैन। पहले हम जिंजर को क्रश कर लेंगे और एक पैन में वाटर लेंगे, उसमें डालेंगे। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, एड सम शुगर एंड टी लीव्स एंड ब्रिंग द वाटर टू अ बॉयल। और उसमें हम शुगर और टी लीव्स डालेंगे और वाटर को बॉयल होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये स्टेप 2 है और सी वाला देखिए ये। नेक्स्ट, ऐड द मिल्क टू अ पैन एंड बॉयल इट प्रॉपरली। फिर हम उसमें मिल्क ऐड करेंगे, ये तीसरा स्टेप। और पैन में जो रखा है उसे हम अच्छे से प्रॉपरली बॉयल होने देंगे, अच्छे तरीके से उबलने देंगे। नाउ स्ट्रीम द टी एंड सर्व इट हॉट। और ये चौथा स्टेप, चाय को छन्नी से छान लेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। तो ये है चारों स्टेप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। टॉक टाइम, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। इमेजिन एंड क्रिएट द डायलॉग, से देम लाउड and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पिक्चर दी गई बच्चों, आपको ध्यान से देखना है।
और ये दो बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं उनके डायलॉग को क्रिएट करके अपनी कॉपी में लिखना है, अपने टीचर और अध्यापक को बताना है। तो आपको नहीं आता तो आप अपने घर में बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए, ये दोनों भाई बहन हैं। भाई कह रहा है कि टीना तुम क्या कर रही हो। टीना कह रही है, भाई मैं इस तोते को आकाश में आज़ाद कर रही हूँ। तो इस तरह से लिखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग टीना। भाई, आई एम लिविंग द पैरोट इन द स्काई। मैं तोते को आज़ाद करूँगी। इस तरह से कोई मज़ेदार संवाद अपनी कॉपी में लिखिएगा बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से उनकी पसंदीदा यात्रा के बारे में बातचीत करते हुए उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों, मास्क ज़रूर लगाएं। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। बाय बाय।